हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मेरे चर्चा का टॉपिक है, दैट इज प्रोटीन। और इसके पहले मैं इसमें अमीनो एसिड के बारे में आप लोगों को काफ़ी विस्तृत में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने प्रोटीन के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीज़ें दी है। यहाँ पे प्रोटीन क्या है, एक्चुअली ये एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है। ये हमारे शरीर की संरचना निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को संरचनात्मक इकाई है। प्रोटीन बिना कोशिका की संरचना के कल्पना नहीं कर सकती है। हमारे शरीर में ऊर्जा देने का भी कार्य करती है। और प्रोटीन का अणुभार लगभग 12,000 डाल्टन से कई लाख तक होता है। कोशिकाओं में प्रोटीन की संख्या काफी अधिक होती है। यह संख्या सरलतम बैक्टीरिया कोशिका में 1,000 से 2,000 तथा मनुष्य की कोशिकाओं में लाखों तक होती है। अब इसमें हमने जो आपको बताया है कि आप देख सकते हैं कि इसमें इसके भार के हिसाब से प्रोटीन कितनी ज्यादा मात्रा में होती है। और जितने भी हमारे शरीर में बनने वाले प्रोटीन है, ज्यादातर उसमें जो है ये महत्वपूर्ण 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ज्यादातर प्रोटीन एल अमीनो टाइप की, इसमें जिसमें एल अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जैसा कि इसमें हमने दिखाया कि जो भी बता भी दिया हमने, ये सारी चीजें हैं जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोटीन कैसे, जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं, ये पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस दूसरे अमीनो एसिड के अमीन का हाइड्रोजन ग्रुप, ये कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से इस तीन अमीनो अम्लों में आप देख सकते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो है ट्राइपेप्टाइड, तीन अमीनो अम्लों का एक जो है कंडेंसेशन हुआ है और इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है। कोई भी पॉलीपेप्टाइड होगी उसमें एक तो टर्मिनल होगा, अमीनो टर्मिनल, NH2 एन टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरा होता है इसमें सी टर्मिनल, जो आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और ये इस तरह से एक ट्राइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अब अगर हम देखें कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो कन्फिगरेशन के आधार पर प्रोटीन को भी वर्गीकृत किया गया है। और इसमें जो प्रोटीन का ये वर्गीकरण का जो आधार बनाया है, ये जो कोई भी अमीनो अम्ल है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है और उस व्यवस्था के आधार पर ही इनमें क्या होता है, इनका प्रोटीनों को कैटेगराइज किया जाता है। सबसे सिंपल टाइप का होता है इसमें कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक। इसमें क्या होते हैं कि पॉलीपेप्टाइड एक विशेष क्रम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक विशेष क्रम में पेप्टाइड बंधों से जुड़कर लंबी कड़ी बनाते हैं। और जैसे हमारे बालों के और सिल्क प्रोटीन जो है इस टाइप के होते हैं। इसमें उपस्थित सभी अमीनो अम्ल का अल्फा कॉन्फिगरेशन होता है। इस प्रोटीन श्रृंखला में सभी अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं और एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं। जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा, एक एक देख सकते हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है और ये प्लेट सीट्स के रूप में पाए जाते हैं। यह विन्यास सभी प्रोटीन्स के प्राथमिक विन्यास पर सुपर इम्पोज होता है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भौतिक स्वरूप में एक सर्पिल, जो स्पाइरल जो यहाँ पे देख सकते हैं, स्पाइरल टेप के रूप में होते हैं। और ये इस प्रकार की व्यवस्था क्रिएटिन प्रोटीन में देखी जा सकती है। फाइब्रस प्रोटीन ये होती हैं जो मुख्यतः ऊन में, बालों में पाई जाती हैं। द्वितीयक प्रोटीन में कसकर लिपटी हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक कुंडलाकार आकृति उत्पन्न करती है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड अणुओं का यह सर्पिल आकार हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्थिर और स्थायी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो इनको कौन स्टेबलाइज करता है। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें जो संरचनात्मक जटिलता पैदा होती है, जिसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है,
तो इस प्रकार से ये जो है डाइसल्फाइड लिंकेज, ये क्या है, टर्शियरी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है एक स्पाइरल फॉर्म में ही न होकर के क्या करते हैं, एक राउंडेड रूप, गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। और इसमें जो बॉन्ड मुख्यतः होते हैं वह है हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इसके बाद जो है इसमें हम देखते हैं कि जो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये जटिलतम रूप है। इसमें इस प्रकार के विन्यास में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे से गुच्छ के रूप में उपस्थित होते हैं। और इसमें जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं ये, और हीमोग्लोबिन इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रोटीन का वर्गीकरण हम करें तो ये सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक मिनट, इसके बाद जो है प्रोटीन के बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो हमने इसके पहले ही चर्चा किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। थैंक यू।